सही है। सिद्ध भाई जी के साथ बहुत गलत हुआ है। काजी लड़ने का 2400 घंटे तैयार रहते हैं। क्या हो रहा है? हटो हटो, आज नहीं छोड़ेंगे इन्हें। यलगार बेटा, यार इधर Stop this nonsense! Sorry sir, मेरा मतलब ये सब करण सर की वजह से हो रहा है। What? करण सर की वजह से नहीं, ये सब सिर्फ मोनामी की वजह से हो रहा है। एहसान फरामोश मत भूल तू कि तू इस एकेडमी में मोनामी की वजह से। शर्म नहीं आती तुझे मोनामी को ब्लेम करते हुए? क्या करूँ, किसको ब्लेम करूँ? तुझे ब्लेम करूँ? ट्राई कर। अच्छा तू तू एंड गो टू योर रूम्स नाउ। But I said go to your room now! Now! These medals, these are my whole life's income. Sir, if I fail in this mission, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपने ये सारे मेडल्स सरकार को वापस कर दूंगा। इस मिशन के लिए मैंने अपने सारे मेडल्स दांव पर लगाए हैं। Trust me, I will give you the best results possible. Thank God, BP नॉर्मल हो गया है। पीपी नॉर्मल हुई है, सिचुएशन है, जो डैमेज होना था हो गया। आइए आइए, प्लीज कम इन, पेशेंट यहाँ है, प्लीज आइए। ही इज स्टेबल नाउ, अब हॉस्पिटल शिफ्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगी। बस कुछ मेडिसिन चाहिए होंगे फार्मेसी से। देखो हॉस्पिटल भेज देते हैं, वहां इसका ज्यादा अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। दोस्त है मेरा, अगर हॉस्पिटल भेजना होता तो तुम मना भी करते तो भी मैं उसको भेजती। डॉक्टर हो, एक्सपर्टीज है मेरी। ओके। ठीक हूँ। स्पेशल एजेंट करण शेरगिल, अब बताओ क्या टेंशन है? मैंने बत्रा सर का ट्रस्ट तोड़ दिया है बेबी। सर, अगर मैं इस मिशन में फेल होता हूँ तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने ये सारे मेडल्स सरकार को वापस कर दूंगा। इस मिशन के लिए उन्होंने अपने मेडल्स दांव पे लगाए थे। लोगों ने कहा होगा कि उल्टी खोपड़ी पे भरोसा मत कीजिए, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और उस मिशन का इंचार्ज मुझे बना दिया। बड़ा फेल्ड है ये मिशन, सिविलियंस को ट्रेन करने के लिए था और शायद मैं सिविलियंस को ट्रेन करने के लिए बना ही नहीं हूं। शेरगिल ने हमेशा हर मिशन को उसके सही अंजाम तक पहुंचाया है, लेकिन ऐसा मिशन तो पहले कभी हुआ ही नहीं। कमी मुझ में थी, शर्मिंदा उन्हें होना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता ऐसा हो,
पर क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। देश के लिए जो सपना देखा था उसे भूल जाऊं, इस मिशन को एबॉर्ट कर दूं। चाचू, ये मिशन तो कंट्री के लिए है ना, और आप कहते हैं कि कंट्री कम्स फर्स्ट। तो एजेंट शेरगिल, आपको जो मिशन दिया गया है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। पुष्पिंदर जी, ये मेडल्स सिर्फ मेडल्स नहीं हैं, आपकी पूरी जिंदगी है। आपने 35 साल दिए हैं इस देश को, और जब रिटायरमेंट का वक्त आया और देश को आपकी जरूरत पड़ी तो एक पल को भी नहीं सोचा आपने। आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। चाहता तो मैं भी यही हूं बेबी, किस मिशन को कंप्लीट करूं, पर ये रिक्रूट्स भी तो इस लायक होने चाहिए। क्या आपको अभी भी फील हो रहा है कि मिस्टेक रिक्रूट्स की है? मतलब? मैंने स्कूल में एक लड़के से फाइटिंग की, दिशुं, दिशुं, दिशुं। गलती मेरी थी, पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मम्मा ने सॉरी बोल दिया। क्यों? मैंने भी यही पूछा। तो मम्मा ने क्या जवाब दिया? मम्मा ने कहा गलती उनकी है, उन्होंने मुझे स्कूल में अच्छे से बिहेव करना नहीं सिखाया। बच्चों की भूल में गलती अक्सर बड़ों की होती है, उन्हें सही वक्त पर सही चीज ना समझाने की गलती। आप बड़े हैं, समझाना तो आपको ही पड़ेगा ना। एक मौका दीजिए इन रिक्रूट्स को, इस एकेडमी को, करण को, अपने इस मिशन को। आपको पता है नंदिनी मैम ने क्या किया? जिस लड़के से मेरी फाइटिंग हुई थी, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में उन्होंने हमें सेम टीम में डाल दिया और मेरी उससे दोस्ती हो गई, और हमारे प्रोजेक्ट को स्कूल में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले, वो भी आपकी तरह उल्टी खोपड़ी है। बट वी जस्ट लव हर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.